पड़ा। तो आज ये प्रण कीजिए, ना हम खाएंगे ना अपने बच्चों को अंडा मीट खाने देंगे, ऐसा संकल्प आज कथा पंडाल में हमें इस धृतराष्ट्र की कथा को सुनकर ले लेना चाहिए। बोलो, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो कौन कौन मेरी बात से सहमत है कि आज के बाद हम ये सब गंद नहीं खाएंगे ना अपने बच्चों को खाने देंगे, और ये प्रॉमिस हम करते हैं आज ही कथा पंडाल में छोड़ते हैं? कौन कौन प्रण करता है? से गैर मुसलमानों को ये गलत फहमी है कि उनके मजहब में गोश्त खाना हराम है, और कई हिंदू समझते हैं कि उनके मजहब में लिखा है कि गोश्त खाना हराम है। पर आपने कहा कि हमारे धर्म में गोश्त खाना हराम है। भाई साहब, आपको आपके धर्म का इल्म कम है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हिंदुइज्म जानने के लिए हिंदू की तरफ मत देखिए, हिंदू ग्रंथ का मुताला कीजिए। जब आप हिंदू ग्रंथ का मुताला करते हैं, लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर 30 में, उसमें लिखा है कि ईश्वर ने कुछ जानवर बनाए खाने के लिए और कुछ जानवर को खा जाने के लिए। गॉड हैज क्रिएटेड सम एनिमल्स टू ईट एंड सम टू बी ईटन। अगर आप उस जानवर को खाते हैं जिन जानवर को खुदा ने बनाया है खा जाने के लिए, तो आप गुनाह नहीं कर रहे। इफ यू आर ईटिंग द एनिमल्स हु गॉड हैज क्रिएटेड टू बी ईटन, यू आर नॉट डूइंग अ सिन। आगे जब पढ़ते लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 में, अध्याय नंबर 5 में, मंत्र नंबर 40 में, कि खुदा ने कुछ जानवर बनाए हैं कुर्बानी के लिए। अगर आप कुर्बानी में जानवर का कत्ल करते हैं तो आप गुनाह नहीं करते। आगे लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 मंत्र नंबर 41 में, कि जानवर का कत्ल करना जो जानवर खाने के लिए बनाए गए हैं वो गुनाह नहीं है। इसी तरीके से कई जगह वेद में लिखा है कि ऋषि गोश्त खाते थे, जानवर को खाते थे। वक्त नहीं है डिटेल में बात करने का, लेकिन अगर आप महाभारत पढ़ेंगे अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88, इसके अंदर युधिष्ठिर जो पांडव का एक भाई था वो पूछता है भीष्म से कि हम यज्ञ में पूजा में क्या खाना दे भगवान को, ईश्वर को, ताकि हमारे पुरखों को संतुष्ट मिले। तो भीष्म कहता है युधिष्ठिर से कि आप यज्ञ में अगर भाजीपाला देंगे तो हमारे बाप दादा एक महीने के लिए खुश रहेंगे, अगर आप मच्छी देंगे 2 महीने के लिए, अगर आप खरगोश देंगे 3 महीने के लिए, अगर गोश्त देंगे तो 4 महीने के लिए, अगर आप बेकन देंगे तो 5 महीने के लिए, अगर परिंदे का गोश्त देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर हिरण का गोश्त देंगे तो 7 महीने के लिए। पूरा मेन्यू है, माशाल्लाह बड़ा मेन्यू है। उसके आगे लिखा है अगर आप गाय देंगे तो पूरे 1 साल के लिए हमारे बाप दादा संतुष्ट रहेंगे, और अगर गेंडा राइनोसरस देंगे तो 20 साल के लिए हमारे बाप दादा खुश रहेंगे। पूरा मेन्यू है, क्या चाहते हैं बोलो? मच्छी, खरगोश, क्या चाहते हैं बोलो? ये आपके ग्रंथ में लिखा है, मेरे ग्रंथ में नहीं। हमारे ग्रंथ में सब चीज खाने की इजाजत नहीं, सिर्फ वो चीज जो हमारे लिए हलाल है। इसी तरीके से बाइबल में भी लिखा है आप गोश्त खा सकते। अक्सर धर्म की किताबों में लिखा है कि आप गोश्त खा सकते हैं। आप मेरा अगर एक डिबेट देखेंगे जिसका मौजू था इज ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड परमिटेड और प्रोहिबिटेड फॉर अ ह्यूमन बींग, क्या इंसान के लिए गोश्त खाना हलाल है या हराम है? और मैंने डिबेट किया था एक जैन के साथ जिसका नाम था रश्मि भाई झवेरी, वो इंडियन वेजिटेरियन कांग्रेस का सदर था, प्रेसिडेंट था। वो दुनिया भर घूमता है बताने के लिए कि नॉन वेज हराम है, और उसने मुझे चैलेंज किया। मैंने कहा भाई आपस में बैठ के बात करेंगे, नहीं नहीं पब्लिक में चैलेंज किया, डिबेट करेंगे। मैंने कहा अच्छा आ बेल मुझे मार, तो मैंने कहा ठीक है भाई पब्लिक में। बोला मैं लोग को लेके आऊंगा, मैं बोला लेके आओ। तो पाटकर हॉल के अंदर 1998 में तकरीबन 10 साल पहले डिबेट किया, वो देखेंगे सारी डिटेल्स है। लेकिन हिंदू मजहब की किताब में ये लिखने के बाद कि गोश्त खा सकते, फिर भी कुछ हिंदू
शाकाहारी क्यों हैं, वेजिटेरियन क्यों है? क्योंकि वो मुतासिर हो रहे थे बाकी फलसफे के साथ जिसमें कहा गया है नॉन वायलेंस, और कुछ जैन मानते हैं कि ईटिंग नॉन वेज इज हराम, इज प्रोहिबिटेड। और हम जब पूछते क्यों जानवर का गोश्त खाना हराम है, तो वो कहते हैं कि घास और भाजीपाला के अंदर जिंदगी नहीं है, जानवरों में जिंदगी है। जब आप कोई जिंदगी लेते हैं, किसी का कत्ल करते हराम है। आज साइंस तरक्की करने के बाद पता चलता है कि वेजिटेबल्स में भी जान है, भाजीपाला में भी जान है, तो वो ज़रा अपनी फिलॉसफी को तब्दील करते। ठीक है हम जानते हैं कि वेजिटेबल्स में जान है, लेकिन वेजिटेबल्स डोंट फील पेन, वो दर्द को महसूस नहीं करते, जानवर दर्द को महसूस करते। इसीलिए वेजिटेबल्स खाना गुनाह नहीं है, जानवर को खाना गुनाह है। अभी साइंस तरक्की करने के बाद हमें पता लगता है कि वेजिटेबल्स को भी दर्द होता है, लेकिन ये दर्द इंसान को सुनाई नहीं देता। वेजिटेबल्स भी अफसोस करते हैं, वेजिटेबल्स भी रोते हैं, लेकिन हमें सुनाई नहीं देता। तो अभी उनका फलसफा बदल गया, वो कहते हैं अच्छा ठीक है, हम मानते हैं कि वेजिटेबल्स में जान है, वेजिटेबल्स को दर्द महसूस होता है, लेकिन वेजिटेबल के पास तकरीबन 3 सेंसेस है, जानवर के पास 5 सेंसेस है। इसीलिए जानवरों की जान लेना बड़ा गुनाह है बनिस्बत वेजिटेबल्स की। मैं कहता हूँ सिर्फ डिबेट के तौर पे, आर्ग्यूमेंट फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, मैं आपकी बात मानता हूँ, क्या वेजिटेबल्स के 3 सेंसेस है और जानवर के 5 सेंसेस है। मैं उस शख्स से सवाल करता हूँ कि मान लो आपका छोटा भाई गूंगा और बहरा पैदा होता है, वो सुन नहीं सकता है, बोल नहीं सकता। जब वो बड़ा होता है तो एक इंसान आपके छोटे भाई का कत्ल करता है, क्या आप जाके जज से कहेंगे मी लॉर्ड इस कातिल को कम सजा दो, क्योंकि मेरे भाई के पास 2 सेंसेस कम थे, वो सुन भी नहीं सकता था, बोल भी नहीं सकता था। आप उल्टा कहेंगे मी लॉर्ड जज इस कातिल को डबल पनिशमेंट दो, डबल सजा दो, वो तो मेरा भाई मासूम था, बेचारा सुन भी नहीं सकता था और बोल भी नहीं सकता था। इस्लाम में 2 सेंसेस कम या ज्यादा के वजह से कोई खाना हराम या हलाल नहीं होता है। जो चीज आपके लिए तैयब है वो आप खा सकते हैं।